नमस्कार, भिवानी हलचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देखेंगे भिवानी का हर कोना पानी पानी दिखाई देगा आपको। ये समुद्री लहरों की तरह आपको जो लहरें दिखाई दे रही हैं, ये बारिश के पानी की हैं। ये पहली बारिश हम कह सकते हैं इसको। पहली बारिश में ये हालात हैं भिवानी के। ये लोहारू रोड जिसको हम कहते हैं, शिवनगर की तरफ जाने वाला ये लोहारू रोड है, और ये पानी पानी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हम पानी की अंदर की तरफ जो जा रहे हैं, ये पानी पानी है, ये हालात हैं। ये यहाँ से निकलते हुए जितने भी वाहन निकल रहे हैं, ये रेंगते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, और जितने दुपहिया वाहन चालक हैं। हाँ बाबू जी, ये पानी पानी होना था, सभी को पता था पानी पानी होना है। सबको पता था ये यहाँ तो पानी रुकता है, हम तो कई बार आ लिए, हर बारिश के सीजन में यही होता है। अब की बार कोई प्रबंध नहीं किए गए, किसी प्रबंध वगैरह नहीं हुए अभी तक? तो प्रबंध का कोई आसार सामने है आपके? ये आप पानी से अभी निकल रहे हो, आपको डर भय नहीं लग रहा पानी से निकल गिर जाओगे? नहीं लग रहा, भोले बाबा की कृपा है, दर्शन जरूर करने हैं, सावन का महीना है। मंदिर में आए हो? मंदिर में आए हैं। ये समुद्री लहरों की तरह आपको दिखाई जो दे रही है, ये जो लहरें हैं, ये बारिश के पानी की हैं, और लोहारू रोड का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बेटा कहाँ से आए हो? उस तरफ से आए हो, आलू बाजार से आए हो? पानी वहाँ किस तरह कितना है? बहुत है, बहुत ज्यादा है। आपकी साइकिल गिरी तो नहीं कहीं? नहीं। धीरे धीरे आए हो? ये आलू बाजार की तरफ से आने वाला जो ये छोटा बेटा है, ये भी साइकिल लेकर के यहाँ से आया है, पानी ही पानी बता रहा है। ये आप जहां से भी आपकी नजर जाएगी, पानी ही पानी दिखाई देगा आपको। ये पानी ही पानी के हालात हैं। भिवानी शहर का हर कोना, लगभग हम ये कह सकते हैं लगभग हर कोना पानी पानी हो रहा है। हाँ सर, ये कहां से आए हो, पानी पानी दिखाई दे रहा है आपको? जो भिवानी में ऐसा बुरा हाल है, पानी की निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहां से आए अभी, कहां से आए हो? यार बिल्कुल दूर के दूर पानी। रोहतक गेट से होते हुए मैम गेट वगैरह, पुराना बस स्टैंड फुल है जी, हर जगह पानी 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 पानी, छोटे साधन वाले को तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ये जैसा कि रहे हैं रोहतक गेट, महम गेट, ओ देख भाई देख, ये बड़ी मुश्किल से ये हालात है, क्योंकि इसकी तेज चलाना इसकी मजबूरी इसलिए है, नहीं तो इसका वाहन रुक जाएगा। बड़ी मुश्किल से एक बाइक वाले ने अभी यूं कह सकते हैं टक्कर ही मार दी थी। कहां से आए हो भाई साहब, कहां से आए हो? सिविल हॉस्पिटल से। पानी कितना है? पानी वो गोड्डा तक तो सही है जी। पानी में आए हो आप? पानी में आया सब भाई। तो हर बार ये तो हालात होने थे, और बारिश होती तो सब भाई क्या करा, थोड़ी सी बारिश होती तो हो जा। ये लबालब पानी के बीच में जैसा कि आप लोग जो देख पा रहे हैं, दुपहिया वाहन जो चालक हैं, भाई साहब कहां से आए हो, किस तरफ से आए हो? दिनोद गेट से। दिनोद पानी कितना आपको कहां से? बहुत ज्यादा पानी हो रहा जी, बहुत देर से पानी भरा पड़ा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा, बहुत साधन बंद हो रहे हैं, बारिश में कोई समाधान नहीं है, हर साल ऐसे होता है। बिल्कुल, ये बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे यहाँ से जो निकल रहे हैं, जो राहगीर हैं, जो पैदल चलने वाले हैं। बाबू जी कहाँ से आए हो, पानी पानी है हर जगह? रोड से आए, हाँ लेबर कॉलोनी से। हर जगह पानी पानी है हर जगह, तो कोना पानी, यो तो चौक से, यो चौक बीटीएम चौक पे पानी है, बीटीएम चौक पे पानी है, वेस्ट कॉलेज के मोड़ पे पानी है, बाकी सूखा है, पर ये तीन जगह पर्याप्त पड़ा है भाई। ये तो हर बार के हालात हैं, हर बार के ही रहेंगे, क्योंकि भिवानी की जनता जो है ना, अपेक्षाएं तो रखती है, पर गलत आदमियों से अपेक्षाएं रखती है, इसलिए भुगत रहे हैं हम। ये हालात हैं, अपेक्षाएं रखती है जनता, जैसा कि ये बता रहे हैं।
और जो लोग गलती करते हैं उसका अंजाम भी भुगतते हैं, जैसा कि इनका ये कहना है। ये खास तौर पर जो छोटे वाहन है, दुपहिया वाहन है, उनका रुकना लाजमी है। और कोई जैसे तैसे निकाल भी रहे हैं तेज गति से, या फिलहाल पेट्रोल पंप के सामने हम मौजूद हैं लोहरू रोड पर। और ये जो पानी है, पानी की जो लहरें हैं, ये पेट्रोल पंप पर पूरा जो इसका प्रांगण है, ये पूरे का पूरा एक किस्म का यूं कह सकते हैं हल्की बारिश में भी डुबो देता है। आज भी ये पानी ही पानी यहाँ पर इसके जो पेट्रोल पंप के प्रांगण में भी पानी ही पानी है। ये देखे आप, कई बार जो दुपहिया वाहन चालक हैं तेज गति के चक्कर में ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। ये बारिश के पानी के लहरों के बीच से निकलते हुए दुपहिया वाहन चालक, फोर व्हील या जो राहगीर हैं, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, वो इसी पानी से अपने गंतव्य की तरफ जो बढ़ रहे हैं। ये लहरें आपको अक्सर लोग गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए इन लहरों को देखने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चों के साथ अपना टूर बनाते हैं, लेकिन आज ये लहरें फ्री में आपको भिवानी में ही दिखाई दे रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ, यहाँ से निकलो। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? कैंचो तेलीवाड़ा से आए। पानी कितना है, किस तरफ से? बहुत ज्यादा पानी है जी, बहुत ज्यादा। तो जोगियाला मंदिर जा रहे हैं। आप ये मंदिर आए हो पानी से निकल के? पानी से निकल के आए हैं, बाइक पे आए थे, इधर खड़ी कर दी। ये एक महिला बड़ी मुश्किल से गिरती गिरती बची है, हम ये कह सकते हैं। भाई थोड़ा आराम से, आराम से, गिर जाओ, गिर जाओगे। माइक तुम्हारा चालान काट देगा कोई पुलिस वाला। तीन तीन बैठ के चला रहे हो तुम, बस वो आए हो भाई पानी में? कहाँ से? घर से आए। कहाँ है घर तुम्हारा? घर ये दिनोद गेट पे। पानी है उस तरफ ज्यादा है। सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, सब्जी। तीन तीन बैठ के गिर जाओगे? घर तो इनका भी है, ये रोटी तो ये भी खाते हैं। कहाँ से आए हो भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? उल्टे जाओगे। पानी कितना है? पानी तो बहुत है जी, बाइक के कौन चलन लाग रही है। पानी पानी है, पानी है, बाइक भी बंद हुआ बार बार में, बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लहरों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये लहरें हैं, ये बारिश के पानी की। और ये जो महिलाएं हैं पानी से गुजरते हुए निकलते हुए, ये बारिश के पानी निकलते हुए महिलाएं, कहाँ से आए हो जी? अब कहाँ से आए हो? हम कृष्णा कॉलोनी से आए। पानी पानी है। हाँ, पानी पानी है। तो कहाँ जा रहे हो अभी? जोगी वाला मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में जा रहे हो अभी? मंदिर
जा रहे हैं। तो आप गिर जाओगे, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तीनों हाथ पकड़ लो, धीरे धीरे लहरों से निकलना पड़ेगा। हाँ वो तो है। खास तौर पर सावन का महीना है और जो श्रद्धालु लोग हैं, जिनकी धार्मिक आस्था में विश्वास है जिनका, वो लोग पैदल भी, जैसा कि ये महिलाएं पानी से ही निकलते हुए गुजरते हुए जोगीवाड़ा मंदिर में शिव भोले के दर्शन करने के लिए ये गई हैं। ये हर क्षेत्र का यही हालात हैं, हर क्षेत्र के यही दृश्य आपको दिखाई देंगे। भले ही बीटीएम चौक की बात करें, लोहारू रोड की बात करें, दादरी गेट की बात करें, हनुमान गेट की बात करें, बावड़ी गेट की बात करें, रोहतक गेट की बात करें, महम गेट की बात करें, सारे गेट पानी ही पानी में लबालब है। जहाँ से भी जो भी लोग निकल के आ रहे हैं, चाहे जैन चौक क्षेत्र की बात हो, तेलीवाड़ा की तरफ की बात हो, हर आदमी जो जहाँ से भी निकल के आ रहा है, जिनसे भी हमने पूछने का प्रयास किया, बातचीत जिनसे की है, वो हर कोई बता रहा है कि हम पानी से ही निकल के पानी से ही गुजर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हर खबर आपको हम महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा सके। ये पानी से निकलते हुए जो एम्बुलेंस वाहन है, ये भी जैसे तैसे आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से निकल रहे हैं यहाँ से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।